हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हम लोग बनाएंगे हेल्दी बार जो प्रोटीन से भरपूर होगा। तो चलिए, तो सबसे पहले लेंगे काजू बादाम, इस तरह से कट करके लेंगे। फिर यहाँ पे लेंगे हम लोग चैकरी, यहाँ पे लेंगे अंट, इसको क्या बोलते हैं आपके वर्ड्स में मुझे नहीं पता। फिर यहाँ पे लेंगे देसी घी, जो घर पे निकालो हुआ घी, क्योंकि वो सबसे बेस्ट होता है। फिर यहाँ पे लेंगे चंद ड्राई फ्रूट्स, जहाँ की वाटरमेलन सीड्स हो, कशकश हो, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। और सबसे मेन जो चीज़ है पीनट्स, तो यूज़ करेंगे क्योंकि प्रोटीन होता है। तो अब हमें क्या करना है, इस पीनट्स को थोड़ा सा दरदरा पीस के लेना है। तो चलिए ये देखिए, हम लोग इसे दरदरा पीस के ले चुके हैं। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जगरी लें, इसमें डालेंगे हाफ कप पानी। अब इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे एक कढ़ाई, इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही वो गर्म हो जाए हम उसमें ऐड करेंगे घी। घी इसमें डाल देंगे, घी ज़्यादा डालना है क्योंकि हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके लेने। करीबन मैं 4 टेबल स्पून डाल चुकी हूँ। इसको थोड़ा गर्म होने के लिए देंगे। तो ये देखिए घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ज़रा हल्का हल्का रेड हो जाएगा तो फिर निकाल लेंगे। ये देखिए हल्का हल्का रेड हो चुका है, फ्राई हो चुके हैं, अब इसे हम लोग निकाल लेंगे। तो अब इसमें ऐड करेंगे ये वाला अंट, थोड़ा थोड़ा बोल के फ्राई कर लेना है। देखिए इस तरह से हो जाएगा। देखिए ऑलमोस्ट हो गए, इसको निकाल लेंगे। तो चलिए फिर से इसमें ऐड कर देंगे। छोटे छोटे बॉल्स टाइप हो चुके हैं, ठीक है ये हो चुका है। अब हम लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड, जो कि हम लोग फर्स्ट फ्राई किया था ना वो वाले, इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा साइड कर देंगे इसे इधर से, ठीक है। अब उसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून घी। अब उसमें ऐड करेंगे ए वाले ड्राई फ्रूट्स, आपके पास जो भी सीड्स हैं ड्राई फ्रूट्स वाले आप वो ऐड कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा फ्राई कर लें, ठीक है इस तरह से। चलो इसे मिक्स करेंगे पूरा सही तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे जो पीनट्स पाउडर ऐड कर देंगे। देखिए हम लोग पाउडर इसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये देखिए खुशबू क्या मज़ेदार आ रही है गाइस, घर पे ज़रूर ट्राई करना एक बार। अब इसमें ऐड करेंगे डेट सिरप, खजूर का पेस्ट जो कि घर पे बना हुआ है। अगर आपको भी इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना गाइस, इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए गाइस ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग सिरप, जो कि जागरी का सिरप बनाए हुए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से कुक हो चुका है, तो 2 मिनट के लिए हम लोग कोल्ड होने के लिए रख देंगे। सो ये देखिए ये कोल्ड, थोड़े से 2 मिनट के लिए मैं इसे कोल्ड होने के लिए रख चुकी थी। तो चलिए ये ठंडा हो चुका है।
अब हम लोग लेंगे एक बटर पेपर, जैसे कि मैं यहाँ पे ले छोटा साइज में कट करके ले चुकी हूँ। एक बटर पेपर यूज़ करके उसके ऊपर ये वाला डाली हम। अब उसके ऊपर और एक बटर पेपर यूज़ करेंगे। अब इसे अच्छे से प्रेस करेंगे, ठीक है, अपना हैंड यूज़ करके इसे प्रेस करना है अच्छे से। फिर इसे हल्का सा निकालें, जो कि मैं राउंड शेप में बना चुका हूँ। ये अभी भी गर्म है, हॉट है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम लोग इसे पीसेस में कट कर लेंगे। तो चलिए थोड़ी देर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे हम। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हमें इसे पीसेस में कट कर लें। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइज वॉचिंग माई वीडियो।